हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज की रेसिपी आपके लिए लेकर गई हूँ बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मसाला पनीर बनाने की। और ये बहुत ही देसी स्टाइल में मसाला पनीर बना के बताऊँगी आपको। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली है पनीर बनाने के लिए। तो मैंने ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको ऐसे कट कर लिया है बारीक कुछ को, और कुछ मैंने ऐसे बड़े कट किए हैं फ्रेंड्स। और जैसे कि आपको मैं आगे रेसिपी में बताऊँगी कैसे यूज़ करना है आपको। और ये मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको ऐसे चॉप कर लिया है। और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, इसको ऐसे क्यूब में कट कर लिया है। और ये हरी मिर्ची ली थी मैंने, 8 हरी मिर्ची ली थी, और कुछ ऐसे बारीक कट कर लिए हैं, और कुछ मैंने ऐसे ये लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है, उसमें मैंने एक भगोना रख लिया है, और इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लूँगी। लगभग आपको 100 ग्राम के करीब ऑयल लेना है। अब इसको गर्म होने देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखना है हमें। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ गर्म मसाला डाल देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने लिया है आधा चम्मच जीरा, और आधा चम्मच मैंने काली मिर्ची ली है, 1 मैंने स्टार फूल लिया है, और मैंने ये सिनेमम स्टिक ली है कुछ, और कुछ लौंग लिए हैं। चलिए ये सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं हम। अब हल्का सा रोस्ट हो गया है हमारा गर्म मसाला, मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी बारीक कटी हुई। अब इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को हम, कुछ इस तरह जैसे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, आप मेरी हो सके तो फुल वीडियो वॉच कीजिए। फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही रेसिपी आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन पर प्रेस करके आप उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले क्या होगा, आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आपको प्याज को कुछ इस तरह कर लेना है। हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, फ्राई हो गई है प्याज। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब अच्छे से हम हरी मिर्चों को, अदरक लहसुन को अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, हम टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे इसमें। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे और आप पनीर बना रहे हो तो इसमें ग्रेवी कैसे बनेगी, तो फ्रेंड्स आगे आगे देखती जाइए आप, इतनी मज़े का ये मसाला पनीर बनके तैयार होगा। और फ्रेंड्स, आप इसमें प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि हम पनीर और प्याज बना रहे हैं, तो उससे मसाला की ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। चलिए, हम टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, तो हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। मैं 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ ऐड कर रही हूँ। और आप फ्रेंड्स, मेरे कहने से इसमें सौंफ ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि सौंफ का फ्लेवर इसमें इतना अच्छा आता है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी। 1 मैंने ये तेज़पत्ता लिया है, ये भी ऐड कर देंगे इसमें। और मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा नमक इसमें स्वाद अनुसार। और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को हम इसमें। चलिए, तो फ्रेंड्स हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन रहे हैं, ग्रेवी की हम तैयारी कर लेते हैं स्पेशल। सो फ्रेंड्स, ये मैंने 1 कप दही लिया है, मैं इसमें मसाला मिला लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इसी से फ्लेवर आएगा और ग्रेवी बनेगी हमारी मसाला पनीर में अच्छी सी। तो इसमें मैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। अगर फ्रेंड्स आप कम तीखा खाते हो तो आप कम ऐड कर सकते हो मिर्ची। और बस इन सारी ग्रेवी को और दही को, सारी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ग्रेवी बना के तैयार कर लेंगे हम बढ़िया सी। और फ्रेंड्स, हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। चलिए, हम झटपट इसमें ऐड कर देते हैं ग्रेवी। दही की ग्रेवी फ्रेंड्स इस तरह से बनाइए आप, बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा मसाला पनीर आपका। अब इसे अच्छी तरह से ग्रेवी को मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखकर हम इसको ढक देंगे और ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे, भुन जाने देंगे सारे मसालों को। 5 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूंगी। सो फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हो। और मैंने इसमें 1/2 कप के करीब इसमें पानी डालकर इसको ढककर पकाया है। अब मैं इसमें पानी 1 कप और ऐड कर दूंगी। इस स्टेज पे मैं 1 कप पानी और ऐड कर दूंगी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। अब अच्छे से ग्रेवी को और पका लेंगे एक बार ढककर। 5 मिनट के लिए लगभग और पका लेंगे हम इसको ग्रेवी को।
सो फ्रेंड्स, मैंने अभी गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। हमारी ग्रेवी अच्छे से बन के तैयार हो गई, जैसे कि आप देख सकते हो, और मैं इसको साइड पर रख दूंगी। और चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने गैस की फ्लेम पे एक पैन ले लिया है और मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच छोटे खाने के जो होते हैं, बस उसी से ऑयल लिया है मैंने इसमें। अब मैं इसमें पनीर फ्राई करूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच मैंने खड़े धनिया लिए हैं, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये मसाला पनीर ढाबे में बनाया जाता है, तो इसी तरह से बनाया जाता है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाला पनीर की रेसिपी। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग तो इसको प्याज पनीर भी बोलते हैं। अब मैं इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, आपको पनीर डालते से ही आपको डायरेक्ट इसको टच नहीं करना है, ताकि ये टूट जाएगा। अभी इसको हल्का सा गोल्डन फ्राई होने देंगे और इस तरह से आपको हिलाना है पनीर को, और कोई स्पैचुला से इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए मेरी रेसिपी को। अब मैं ये मैंने लंबे लंबे साइज़ में जो हरी मिर्ची कट की थी वो ऐड कर दूंगी, और जो हमने जो प्याज भी ऐसे बड़े साइज़ में जो कट करी थी उसको भी ऐसे हम खोल लेंगे और उसको भी ऐड कर देंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी, बहुत थोड़ा सा, हल्की सी हल्दी मिर्च। और अगर आप इसमें हल्दी मिर्ची ऐसे डालोगे तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पनीर में भी। और बस इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, हमारा पनीर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, और प्याज का फ्लेवर इसमें कच्चा सा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने प्याज भी इसमें ऐड की है। अभी सारी चीज़ें अच्छे से, मसाला हमारा सारे अच्छी तरह से इसमें पनीर में खुशबू फ्लेवर आ गया है। चलिए हम इसको ग्रेवी में ऐड कर देते हैं पनीर को। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा पनीर ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। और फ्रेंड्स, इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ध्यान रखिए आप, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और ध्यान इसलिए रखिए फ्रेंड्स, इसमें छोटी सी छोटी टिप्स जो होती है वो आपको फॉलो करनी है, तो आपका भी मसाला पनीर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और फ्रेंड्स, मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, मैं 5 मिनट के लिए और ढककर पका लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं इसको कवर करने से पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और ऐड कर दूँगी, मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, ऐसे हाथों से क्रश कर लीजिए। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा मसाला पनीर बिल्कुल बनकर तैयार है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसका फाइनल लुक। और मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और बस मैं इसमें कोरिएंडर पत्ती डालकर इसको सर्व कर लूंगी। चलिए, तो मैंने ले लिया है एक बाउल और मैं इसमें सारा ये मसाला पनीर निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा सर्व कर लिया है मसाला पनीर को, और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए फ्रेंड्स। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को फ्रेंड्स, जिससे क्या होगा आपको मेरी रेसिपी से रिलेटेड सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए, मैं इसमें कुछ चीज़ और ऐड कर देती हूँ उसमें, जिससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें मसाला पनीर में। और फ्रेंड्स, ये रेगुलर मलाई है दूध पे जो होती है हमारे आजकल फ्रिज में, तो फ्रेंड्स मैंने वही मलाई ली है, बस मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और बस मैं इसमें कोरिएंडर पत्ती डालकर इसको और गार्निशिंग कर लूंगी इसकी, बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए ये इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, और पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही है फ्रेंड्स। और चलिए, ट्राई कीजिए और मज़े कीजिए अपनी फैमिली के साथ। आपके यहाँ मेहमान आए तो आप झटपट बनाइए उनके लिए, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है ये चटपटा सा मसाला पनीर। चलिए, मैं ऐसी कुकिंग से रिलेटेड लाती रहती हूँ आपके लिए वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, मैं ऐसी कुकिंग से रिलेटेड वीडियो लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय।